दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। यदि आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन किया हुआ है या आवेदन जनसेवा केंद्र सीएससी सेंटर के माध्यम से कराया हुआ है तो आप घर बैठे ही अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख पाएंगे कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या पेंडिंग है या रिजेक्टेड है, किस लेवल पर पेंडिंग है। पूरी जानकारी आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से निकाल पाएंगे। तो कैसे आपको स्टेटस चेक करना है आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, सरकारी योजना गुरु.in। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू चेक पीएम विश्वकर्मा योजना स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप पीएम विश्वकर्मा योजना का स्टेटस घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से चेक कर सकते हो। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है ये पूरी जानकारी दी हुई है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा, इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेंट बेनिफिशरी लॉगिन का, एप्लीकेंट बेनिफिशरी लॉगिन, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने लॉगिन पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद कैप्चा डालना है, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी को एंटर करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने पूरा एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन पूरा खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर कुछ अलग तरीके के दिखा रहा है लेकिन आपको यहाँ पर स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एप्लीकेंट का नाम देखने को मिल जाएगा, इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिव्यू पेंडिंग एट डीएम जोन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अभी ये पेंडिंग है, रिव्यू डीएम स्तर से पेंडिंग है। अगर आपका भी रिव्यू में पेंडिंग दिखा रहा है, कई महीनों से पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको डीएम ऑफिस में संपर्क करना है और जो भी विश्वकर्मा योजना का काम देखता हो उन बाबू से आपको संपर्क करना है। वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा, उसके बाद ही आपका वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आपका कई दिनों से कई महीनों से यह दिख रहा है तो आपको डीएम ऑफिस में संपर्क करके अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है, ये पूरी जानकारी आप निकाल पाएंगे। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन सबमिट डेट, कब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, तो यहाँ पर आपको डेट भी देखने को मिल जाएगी, एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पूरी जानकारी देख पाएंगे कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है। अगर आपका अप्रूव्ड हुआ होगा तो यहाँ पर आपका अप्रूव्ड लिख करके आ जाएगा, यदि आपका रिजेक्टेड हुआ होगा तो रिजेक्टेड लिख करके आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप पीएम विश्वकर्मा योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए।